जानिए क्या है आज की ताजा खबर। एक बार फिर से विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के लिए बाजार सज चुका है। 12 और 13 फरवरी यानी आज और कल बेंगलुरु में सभी 10 टीमें अपनी अगली टीम को तैयार करने के लिए मेगा ऑक्शन का हिस्सा बनने पहुंच चुकी हैं। इन सभी टीमों ने अभी तक कुल 33 खिलाड़ियों को अपने साथ रिटेन किया है। पुरानी 8 टीमों ने कुल 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, तो वहीं दो नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद टाइटेंस ने 6 खिलाड़ियों को अपने साथ ड्राफ्ट के जरिए जोड़ा है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता ने 4-4 खिलाड़ियों को, हैदराबाद, राजस्थान, बेंगलोर ने 3-3 और पंजाब ने 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसके अलावा दो नई टीमों ने 3-3 खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया है। इस बार 600 खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर है। इसमें 377 भारतीय और 223 विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं 10 टीमों के पास कुल मिलाकर 217 स्लॉट खाली हैं। इस बार कुल 19 देशों के 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 15 देशों के 590 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। नीलामी से ठीक पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने वाले 9 खिलाड़ियों के नाम जोड़े गए। वहीं रणजी खेलने वाले महीर हिरवानी का नाम भी जोड़ा गया है। यानी 600 खिलाड़ियों के लिए मंच सज चुका है। अब बस फ्रेंचाइजी को आकर अपनी बेस्ट टीम चुननी है। आईपीएल ऑक्शन की अपडेट के लिए जुड़े रहें सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।